मॉर्निंग। गुड इवनिंग सर। ओके ओके सो इट्स यस ओके। रवनीश ने शेयर किया है, पूनम ने भी शेयर कर दिया है। एचटीएमएल पेज गुड। अंकित का भी है, अमन का भी है। ओके सो सभी ने शेयर कर दिया। गुड वर्क गाइस। ओके सो ये जो हमारी इवनिंग में क्लास होती है, तो इसे रिशेड्यूल करना है क्या किसी टाइम पे? बिकॉज मुझे अभी इंफॉर्मेशन मिली थी कि पॉसिबल नहीं रहता है आप सभी के लिए इवनिंग में क्लास अटेंड करना। ड्यू टू सम एक्स वाई जेड रीजन। यस सर, क्योंकि वहां से निकलने में टाइम हो जाता है तो घर लेट पहुंचते हैं, तो फिर कभी कभी ज्वाइन भी नहीं हो पाते सर। ओके नो इट्स रवनीश। ठीक है, रवनीश ने बताया बाकी सभी के साथ। मॉर्निंग या नाइट, नाइट में कभी भी। ओके सो नाइट में नाइट में हो क्या आप लोग अवेलेबल? यस यस सर। पूनम, रवनीश, अमन, प्रांशु, किशन, आपका क्या यस स्टेटस है? सर। ओके प्रांशु कह रहा है कि रात में नेटवर्क इशू रहता है। ओके ठीक है ठीक है। तो एक टाइम निकालते हैं जहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उस टाइम पे मीटिंग रखेंगे। मॉर्निंग में आपकी क्लासेस किस चीज की चलती हैं? सर एक क्लास चलती है इंग्लिश की 11 बजे से 12:30 बजे तक। ओके उसके यस सर। बाद सर उसके बाद फ्री फिर है। आपकी फ्री है। हो ओके। और आप कोचिंग सेंटर कितने टाइम तक पहुंच जाते हो? सर सुबह 10:30 सर से रहता है। 10:30 और फिर 11 से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। ओके ठीक है, यस तो डिस्कस करता हूँ मैं इंस्टीट्यूशन से। फिर जो भी टाइम रहेगा मे बी हम नाइट में रखें, क्योंकि फिर आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होगी, या हम मॉर्निंग में रख लेंगे। यस ओके ओके अर्ली मॉर्निंग में किसी को प्रॉब्लम है क्या अगर हम 9:30 रखते सर। हैं? ओके सो मैं कुछ टाइम आपसे शेयर करूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है? तो सिर्फ उस पर रिएक्ट कर देना अगर आपके लिए सुटेबल है वो टाइम तो, ठीक है? तो जिसमें ज़्यादा हाँ सर रवनीश। मॉर्निंग में 9:30 से सर मुझे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सर फिर मैं वहाँ प्रोस क्लब नहीं पहुँच पाऊँगा। नो इश्यू रवनीश, जो जिसमें सभी को प्रॉब्लम नहीं होगी हम वही वाला टाइम करेंगे, ठीक है? तो ओके फील फ्री टू स्टे एनीथिंग। ओके ओके फाइन। सो हम शेड्यूल कर लेंगे 1 to 2 days में, या फिर 1 मार्च से स्टार्ट कर देंगे न्यू टाइम। ओके टुमारो ओके से। ओके तो यहाँ तक हमारा हो गया था। सभी ने क्लोन ले दिया वेबसाइट का। सर। ओके तो अपने रिएक्ट ऐप में इसे आपने लगाया है क्या? रिएक्ट यस सर, रिएक्ट से ही रिएक्ट बनाया ओके। एक्चुअली जो हमने क्लोन लिया था आपने उसको इंटीग्रेट कर दिया क्या एचटीएमएल को रिएक्ट में? सर।
एप डॉट सी एस एस में हमने सी एस एस किया है और एक न्यू कंपोनेंट बना के उसके अंदर HTML के कोड लिखे हैं रिटर्न के अंदर। ओके, इमेजेस हो गई हैं आपकी? यस सर, पाथ दिया था इमेज का तो वो शो हो रहा है। ओके फाइन, स्क्रीन विजिबल है? ओके सर ब्लैक दिख रही है। नो सो ये बेसिकली हमारा कोड था, तो हम देख से लेते हैं। सर, स्क्रीन शो नहीं कर रही है। बाकी सभी को भी सेम प्रॉब्लम फील हो रही है? ओके, गिव मी अ मोमेंट। अब विजिबल है? यस सर, यस सर। ओके, तो ये हमारे पास कोड था पूरा। डिफ से स्टार्ट है हमारा बॉडी आपका स्टार्ट। ओके, कॉपी कर लेते हैं। एंड जो हमारी रिएक्ट की ऐप है, ऐप डॉट जेएस, जेएस से चाइल्ड 1 चाइल्ड 2, ये हमारे एग्जांपल थे, तो इसे हम अभी डिलीट करते हैं। ओके, ये हमारा पूरा इमेज टैग है, ये भी हमें एरर दे रहा है, फाइंड नहीं किया, इसलिए रेड लाइन रेड रेड हाईलाइटेड है, तो हमें सिर्फ फाइंड करना है इमेज टैग को। सॉरी, रिएक्ट के अंदर आप जो भी टैग लिखते हो, अगर वो ओपन है तो उसके क्लोज में आपको बैकस्पेस लगाना होता है, ठीक है? अदरवाइज रिएक्ट आपको एरर देती है। सपोज ये इनपुट है, तो इसे हमें क्लोज करना होगा, अदरवाइज हमें एरर देगा रिएक्ट। सारे इमेज टैग को ले लेता हूँ।
वॉइस आ रही है? यस सर, यस सर। हेलो, हेलो, यस सर, यस सर, वॉइस आ रही है। ओके, वॉइस आ रही है मेरी? यस सर, यस सर, आ रही है। ओके फाइन। सो यहाँ तक सभी ने कंप्लीट कर लिया? इम्प्लीमेंट हो गया आपका एचटीएमएल? अब हमें यस सर, अगर हमें सीएसएस बनानी है तो यहाँ पे ऐप डॉट सीएसएस के अंदर जितने भी सीएसएस हैं हमारी, हम यहाँ पे फिर पेस्ट कर देंगे। तो ऐप के अंदर अगर हम जाएंगे तो हमें सीएसएस मिल जाएगी। दिस लाइन ऑफ कोड ओके ओके okay.
ओके तो यहां तक हो गया सभी का। नो सर, यहां तक नहीं बात, अपने रिएक्ट में कैसे इम्प्लीमेंट एक्सटीमल किया सर? एक कंपोनेंट बनाया है न्यू और रिटर्न के अंदर सारी HTML लिख दी है और app.css में जाके CSS लिख दी है। ओके तो जब आप रिएक्ट का एनपीएम स्टार्ट, यस कर दें। सर फंक्शनैलिटी अभी उसमें कुछ भी नहीं करा हम लोगों ने। ओके फाइन, फंक्शनैलिटी नहीं हुई है, बाकी सब कुछ। यस सर, बाकी सब कुछ हो यस, गया। हमने वो डाटा टाइप दे दिया, टाइप ईमेल दे दिया, टाइप टेक्स्ट इस टाइप का किया हमने। ओके फाइन, तो अब हमें इसमें क्या करना है, ये जितने टेक्स्ट है जब हम यहाँ जाके देखेंगे, जो हमारा मेन कोड था इंडेक्स डॉट एच टी एम एल था, ठीक है। तो कोडिंग कैसे होती है, अब देखो यहाँ पे हमें हर एक सेक्शन का एक अलग वो दिया है, सेक्शन बना के दिया है, ठीक है। जैसे अगर हमें हमारा राइट साइड बार है, ओके, तो राइट साइड बार का कोड यहाँ से सेक्शन से स्टार्ट होता है और ये वाला सेक्शन से एंड होता है, ओके। तो ये वाला सेक्शन हमारा हो गया राइट साइड बार का। उसी तरीके से अगर हमें फुटर देखना है तो फुटर का भी यही सेक्शन है, फुटर यहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारा और यहाँ पे एंड हो गया है, ओके। इसका सेक्शन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, मेन जो फुटर का सेक्शन है, और वो यहाँ पे एंड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे ही हमारा एचटीएमएल डिवाइडेड है, उसी वे में हमें हमारे रिएक्ट के ऐप को डिवाइड करना है। कैसे, अभी जो हमने कर रखा है वो हमने क्या कर रखा है कि ऐप के अंदर ही हमने पूरा कोड लिख दिया है, यहाँ पे सारा कोड हमारा किसके अंदर है, ऐप के अंदर है, ओके। तो यस सर, हमें क्या करना है, अलग अलग कंपोनेंट बनाने हैं और उसके अंदर कोड को पेस्ट करना है, ठीक है। जिस तरीके से हमने अभी प्रीवियस क्लासेस में सीखा था कि अगर हम कोई भी कंपोनेंट बनाते हैं तो उसके बाद हमें उसे कॉल करना होता है। तो आपका ये काम है कि अभी आपको ऐप जो भी आपने कंपोनेंट बनाया है और उसके अंदर पूरा एचटीएमएल लिखा है, उसे डिवाइड करना है आपको मल्टीपल पार्ट्स में। जैसे आप यहाँ से कोड पूरा देख सकते हो, ये हमारा हेडर है, ठीक है। तो हेडर के अंदर हमारा जो कंटेंट रहेगा, मे बी वो रहेगा हमारा ये वाला, जिसमें हमारा सर्च मेल है, इनबॉक्स है, कुछ इमेजेस अभी यहाँ पे शो नहीं हो रही है क्योंकि हमने यहाँ पे इम्पोर्ट नहीं कर रखी है, ठीक है। इम्पोर्ट करेंगे एंड उसे शो करा देंगे। ये हमारा जीमेल का लोगो है, लोगो हमारा इम्पोर्ट नहीं हो रखा है, तो यहाँ पे ये चीजें शो नहीं हो रही है। सो जस्ट लाइक अ हेडर, हेडर के अंदर इतना कोड लिखा हुआ होगा, इससे हमें एक अलग कंपोनेंट में चेंज करना है। क्यों चेंज करना है, अगर हमें कोई भी कोड लिखना होगा हेडर के रिगार्डिंग, तो हम उसका एक अलग कंपोनेंट बना के उसमें लिखेंगे, ठीक है। अगर हम सारी चीजें उसमें ही लिख देंगे हमारे ऐप डॉट कंपो ऐप के अंदर, तो जो भी हमें कस्टमाइजेशन यहाँ पे करनी रहेगी वो बहुत ज्यादा मैसी हो जाएगी। तो दैट्स वाई हम डिवाइड करेंगे हमारी एप्लीकेशन को मल्टीपल पार्ट में, ओके। क्लियर हुआ, शो करते हैं हम यस अलग अलग कंपोनेंट में। अभी आप जैसे देख रहे हो, पहले तो हमारे पास कोड नहीं था प्रीवियस क्लासेस में, तो हम ऐप डॉट जेएस के अंदर लिख देते थे, बट अब जब आप नीचे जाके देखोगे तो ये आपका जो एचटीएमएल का कोड है ये कितने लाइन का हो गया, 589 का, ठीक है। अगर आपको इसके अंदर कुछ भी कस्टमाइजेशन करनी होगी तो फिर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। तो आपका टास्क ये है कि आपको हर एक सेक्शन के रिगार्डिंग यहाँ पे एक कंपोनेंट क्रिएट करना है और उसे यहाँ पे कॉल करा देना है, ठीक है। एक मैं करके बताता हूँ आपको कि एक्चुअली कैसे वर्क करेगा। तो कंपोज अ न्यू ईमेल लेते हैं हम, कंपोज ये हमारी एक बटन है कंपोज नेम से, उसके बाद हमें इनबॉक्स दिख रहा है, ये सारी चीजें दिख रही हैं, ठीक है। और अगर हम लेफ्ट सेक्शन जाके देखेंगे तो ये हमारा लेफ्ट साइड बार है, ओके। जब हम हमारे मेन कोड में जाएंगे और इसे सर्च करेंगे लेफ्ट साइड बार, ये रहा हमारा लेफ्ट साइड बार जो कि सेक्शन से स्टार्ट होता है, सेक्शन पे एंड होता है, ओके। तो
हम हमारे कोड के अंदर जाते हैं, रिएक्ट ऐप के अंदर एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल, यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट साइड बार डॉट सीएसएक्स, ओके, फंक्शन क्रिएट करेंगे, लेफ्ट साइड बार, लेफ्ट साइड बार, लेफ्ट साइड बार, ओके। एप डॉट जेएस के अंदर जाएंगे, सेक्शन ये जितना हमारा लेफ्ट साइड बार का है तो हटा देंगे यहाँ से, सबसे ऊपर जाएंगे। आई थिंक यहीं पे हमारा इम्प्रूव हो जाना चाहिए। यहाँ पे अगर हम लिखेंगे लेफ्ट साइड बार, तो अगर हम डायरेक्ट लिखते हैं तो यहाँ पे भी इम्प्रूव हो जाता है, ऊपर जाके देखेंगे तो लेफ्ट साइड बार इम्प्रूव हो गया। अब जब आप देखोगे यहाँ पे तो लेफ्ट साइड बार देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ, ओके। तो इस तरीके से हमें हमारे कोड को मल्टीपल कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है। तो जब भी आप कोई इंटरव्यू दोगे या फिर आप किसी भी एक एप्लीकेशन के पास वर्क करोगे, तो जब भी आप किसी कंपनी में अप्लाई कर देते हो तो वहाँ पे दो सिनेरियोस रहते हैं। फर्स्ट ये रहता है, अगर आपको तो मशीन टेस्ट होगा तो आपका ऑन स्क्रीन ले लेंगे फेस टू फेस, ठीक है, तब वो आपकी कोड क्वालिटी चेक करेंगे। अदरवाइज आपको एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है, सपोज अगर आपको 6 आवर्स दिए हैं, एक एप्लीकेशन दे देंगे आपको क्लोन करने के लिए, कि आपको सेम टू सेम एज इट इज ये वाली एप्लीकेशन डेवलप करनी है। डेवलप करने के बाद आपको जिस भी कंपनी में आपने अप्लाई कर रखा होगा वहाँ पे ये कोड शेयर करना होगा, ठीक है। तो जब आप कोड शेयर करते हो तो वहाँ पे मल्टीपल चीजें आपकी चेक होती हैं, जिसके बिहाफ पे वो डिसीजन मेक करते हैं कि आप सिलेक्टेड हो या नहीं हो, ठीक है। तो सबसे पहले वो चेक करते हैं कोड क्वालिटी। कोड क्वालिटी में जो फर्स्ट पार्ट रहता है कि अगर आप कोड लिख रहे हो तो उसे जितना कम से कम आप रिड्यूस कर सकते हो उतना आपको करना रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हम यही करेंगे, जब भी आप रिएक्ट के अंदर कोड लिखोगे तो वहां पे क्या करोगे आप, जो आपका कोड है उससे अलग अलग कंपोनेंट में ब्रेक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट, जिस तरीके से लेफ्ट साइड बार दिया है उस तरीके से हमने कॉल कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, सर इसका कोड चाहिए ताकि हम यहाँ पे दिखा सके। तो सेक्शन ले लेते हैं यहाँ से लेफ्ट साइड बार का, यही वाला सेक्शन ले लेते हैं जो हमने अभी यहाँ से हटाया है, ये रहा हमारा सेक्शन। इसे कट करते हैं, लेफ्ट साइड बार को कॉल करते हैं, सेव करेंगे इसे, लेफ्ट साइड बार में जाके सेम एज इट इज को पेस्ट कर देंगे, ये आ गया हमारा लेफ्ट साइड बार, ओके। तो अगर हमें इसमें चेंजेस करना है तो अगर हमें लेफ्ट साइड बार में चेंजेस करना है तब हमें पता होगा कि कोई ना कोई कंपोनेंट बना होगा लेफ्ट साइड बार नेम से, जो कि है,